अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ढाका फ्राई चिकन बनाना सिखाऊंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ढाका फ्राई चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आधा किलो बोनलेस चिकन, जिनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। मैदा 1 खाने का चम्मच, कॉर्न फ्लोर 2 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, सफ़ेद तिल 1 खाने का चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच, अंडा 1 अदद। सबसे पहले एक बाउल में अंडा डालें। इसे हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह बीट कर लें। अंडा फेंटने के बाद इसके अंदर नमक, सफ़ेद तिल, कुटी लाल मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, लेमन जूस, चिकन पाउडर, मैदा और कॉर्न फ्लोर डालें और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें चिकन शामिल करें और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। और इसे ढककर मैं इसे ओवरनाइट मैरिनेट करूंगी। आप इसे 3 से 4 घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करें। इसे मैरिनेट करने के बाद ओवरनाइट फ्रिज में रख दें। ज़्यादा देर मैरिनेट करने से ये अंदर तक जूसी और मज़ेदार बनेगा। मैंने इसे ओवरनाइट मैरिनेट कर लिया है। इसे डीप फ्राई करना है तो एक पैन में ऑयल लें। इसकी साइड पलटें ताकि दोनों तरफ से इक्वल कलर आ जाए। गोल्डन कलर आने के बाद इनको निकाल लें। मज़ेदार ढाका फ्राई चिकन बिल्कुल तैयार है। ये एज अ स्नैक खाए जाते हैं। आप इन्हें घर पर ज़रूर ट्राई करें। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।